हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, अक्सर हम अदरक का सेवन चाय की फॉर्म में करते हैं। चाय बनाते समय हम अदरक का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अदरक का एक इंच का टुकड़ा यानी कि 3 से 4 ग्राम अदरक के टुकड़े का डायरेक्ट सेवन करते हैं या उसे चबा चबा कर खाते हैं, तो उसके होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अदरक का सेवन चाय के साथ साथ बॉइल्ड एग के साथ में भी किया जाता है, शहद के साथ में भी किया जाता है, लेमन के साथ में भी किया जाता है। और यही अदरक जब हम इसे डायरेक्ट चबाकर खाते हैं तो इसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, अदरक की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो अक्सर इसका सेवन सर्दियों के मौसम में किया जाता है। सर्दियों के मौसम में सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम्स जो लोगों को कॉमन होती है वो होती है दोस्तों, सर्दी लगने की वजह से खांसी, नज़ला, जुखाम, बलगम का बनना, ये सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप एक साफ़ सुथरे ताज़े अदरक के पीस को लें और उसका ऊपर से छिलका उतारें। लगभग आपको 1 से 1.5 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लेना है। उसके बाद में यानी कि 3 से 4 ग्राम के अराउंड ही आपको एक टाइम में अदरक का सेवन करना है। उसके बाद आप उस टुकड़े को अगर चबा चबा कर खाते हैं, ठीक है, पहले चबा चबा कर उसको अच्छी तरीके से खाएं, फिर आधा गिलास गुनगुना पानी उसके ऊपर से पी लें। ये एक बेहतरीन औषधि है। सर्दी, नज़ला, खांसी और बलगम की अगर प्रॉब्लम है, ये उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को जी मचलाने की प्रॉब्लम होती है वो अदरक का जूस निकाल लें, किसी हमाम दस्ते में या किसी चीज़ में उसको कूट कर उसका 1 चम्मच जूस निकाल लें और उसमें आप 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और उसका आप सेवन करें, ठीक है। दिन में 2 से 3 बार इन दोनों को मिक्स करके इसी तरीके से पिएं, जो जी मचलाने की प्रॉब्लम होती है वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग गठिया दर्द से परेशान होते हैं, गठिया के दर्द में यानी कि जो जोड़ों में पेन होता है, उसमें भी अदरक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अदरक के अंदर इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। या इसका लेप भी आप उस दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं। इसका लेप बनाने के लिए अदरक को अच्छी तरीके से पहले आप पीस लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, फिर उस पेस्ट को अगर आप जोड़ों के दर्द की यानी कि घुटनों में अक्सर जो दर्द होता है वहाँ उस लेप को लगाएंगे, कुछ ही दिनों में आपको उस जोड़ों के दर्द से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेडीज़ को अक्सर मासिक धर्म में कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उनके लिए भी अदरक वाली चाय या अदरक को पानी में बॉईल कर पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सिरदर्द की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। माइग्रेन की समस्या को दूर करने के लिए अदरक एक रामबाण का काम करता है। जब भी माइग्रेन का अटैक आए तब आप अदरक की चाय, तेज़ अदरक की चाय ज़रूर पिएं, इससे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम से या सिरदर्द से तुरंत राहत मिलेगी। और उल्टी होने में भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि ये जी मचलाने जैसी प्रॉब्लम को और उल्टी को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है। अदरक कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, ब्लड प्रेशर को ठीक करने में और खून को जमने से रोकने का काम भी बेहतरीन तरीके से करता है। इससे दिल से संबंधित प्रॉब्लम्स ख़त्म होती चली जाती हैं, इसलिए अदरक को आप सर्दी सर्दी एटलीस्ट या तो चबा कर खाएं या आप तेज़ अदरक की चाय एटलीस्ट दिन में 2 बार ज़रूर पिएं, ठीक है। अदरक, नींबू और शहद के मिश्रण का भी आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको अगर चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम है या आपको नज़ला, खांसी, जुखाम वगैरह है, तो ये उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये मर्दाना ताकत को इम्प्रूव करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। 1 बॉइल्ड एग में 1 चम्मच अदरक का जूस और 1 चम्मच शहद मिलाकर रात को खाने से और ऊपर से आधा गिलास गुनगुना दूध पीने से ये आपकी मर्दाना ताकत को भी इम्प्रूव करता है। पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को पेट के फूलने की, कब्ज़ की, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं रहती हैं, वो लोग किसी भी फॉर्म में अगर अदरक का सेवन करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है।
इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी अदरक का सेवन किया जाता है। सर्दियों में अदरक खाने से जो हमारा शरीर है वो गर्म रहता है, साथ ही इससे एनर्जी भी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। रोज़ सुबह नाश्ते के बाद में अदरक वाली चाय पीने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। आप इसका सेवन करते समय ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं 1 ग्राम ज़्यादा अदरक से अदरक का सेवन ना करें, और ज़्यादा छोटे बच्चों को 3 से 4 साल से छोटे बच्चों को अदरक का सेवन नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इसका सेवन कर सकता है, और अगर आप इसका ज़्यादा असर देखना चाहते हैं तो आप अदरक को, कच्ची अदरक को चबा चबा कर खाएँ। ऊपर से आप या तो आधा गिलास गुनगुना पानी पी लें, या आप ऐसे भी रह सकते हैं। खाना खाने के बाद में 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा चबा चबा कर खाने से ज़बरदस्त फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये आज की वीडियो के अदरक के बारे में कुछ हेल्थ बेनिफिट्स से। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।